Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. Tyndall effect को आप देख सकते हैं जब घने जंगल से सूर्य की रोशनी निकलती है, कैसे पास थ्रू होती है उसमें. In the forest, जंगल में mist contain tiny droplet of water. जो धुंध होती है जंगल के अंदर उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं. Which act as a particle of colloid dispersed in air. वो कोलॉइड के पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं जैसे कि एयर में फैले हुए हैं. प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड. अ कोलॉइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर. कोलॉइड क्या है? एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है. द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. और इस कोलॉइड के जो पार्टिकल है वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आइज से यानी अपनी आंखों से नहीं देख सकते. कोलॉइड आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ पॉसिबल. लेकिन ये जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं ये इतने बड़े तो होते हैं कि बीम ऑफ लाइट जब इसमें से पास थ्रू हो तो उस बीम ऑफ लाइट को ये फैला सके और जो उसका पाथ है वो हमें दिखाई दे. जैसा कि आपको इस घने जंगल का जो पिक्चर है इसमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है और पार्टिकल के माध्यम से वो पूरे जंगल में फैल गई है. उससे हमें उसका एक पाथ दिखाई दे रहा है कि यानी इतने बड़े तो होते हैं कि उसके पाथ को बीम ऑफ लाइट के पाथ को फैला सके. दे डू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल. ये अनडिस्टर्ब छोड़ने पर सेटल डाउन नहीं होते हैं, तली में नहीं बैठते हैं, बॉटम में नहीं बैठ जाते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. और इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है. बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइड पार्टिकल. लेकिन कोलॉइड पार्टिकल को अलग करने के लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्निक का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, जो कि एक्टिविटी 2.5 में परफॉर्म की गई है. द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जो कोलॉइड सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में होते हैं. ठीक है, दो चीजें उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कोलॉइड सॉल्यूशन के कंपोनेंट के लिए. जैसे कि हमें पहले सॉल्यूशन में बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से इसमें हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जरूरत होती है. द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट. सॉल्यूट क्या होता है? इसमें कंपोनेंट होता है. कंपोनेंट को हम सॉल्यूट की तरह यूज करते हैं. और द डिस्पर्जन पार्टिकल इन कोलॉइड फॉर्म अ डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स फेज्ड. और जो डिस्पर्जन पार्टिकल होते हैं कोलॉइड में वो क्या बनाते हैं? डिस्पर्स फेज बनाते हैं. एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम. और जिस फेज में ये डिस्पर्स फेज में ये कंपोनेंट के जो पार्टिकल है ये सस्पेंड होते हैं उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं. कोलॉइड आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज. कोलॉइड को हमने जो है इसकी स्टेट के आधार पर जो वर्गीकृत क्रिया तीन भागों में किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि किस पे बेस है? डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज के आधार. यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कोलॉइड जो है वो तीन भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अ फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.1. फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ. 2.1 टेबल में आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के, जो कि आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स. डेली लाइफ में यूज होने वाले कोलॉइड्स कौन से होते हैं? देखिए, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, ठीक है, उसको उसमें क्या घोला गया? गैस को घोला गया. तो उससे क्या बनके तैयार होता है? फॉग, क्लाउड और मिस्ट. फॉग मतलब जैसे कोहरा जो होता है ठंड में, क्लाउड बादल, और मिस्ट मतलब जो धुंध सी छाई रहती है. जब बहुत ज्यादा कभी कभी पोल्यूशन हो जाता है तो धुंध हो जाती है, या कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड की वजह से भी धुंध हो जाती है. सॉलिड डिस्पर्स फेज है. डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस. गैस को घोला गया है सॉलिड में, उससे क्या बना? स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ये तो आप जानते ही हैं, स्मोक चाहे आपकी अंगीठी से निकल रहा हो, चाहे किसी फैक्ट्री से निकल रहा हो, या सिगरेट से निकल रहा हो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आप जानते ही. गैस, ठीक है, गैस में क्या घोला गया? लिक्विड को घोला गया, तो क्या बनी? शेविंग क्रीम बन गई. इसी तरीके से लिक्विड को लिक्विड में घोला गया तो क्या बन गया? मिल्क और फेस क्रीम बन गई. इसी तरीके से सॉलिड में लिक्विड को घोला गया. डिस्पर्स फेस जो होता है वो एक सॉल्यूट होता है. डिस्पर्स फेस में डिस्पर्स मीटिंग को घोला जाता है, तो उससे क्या बना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड. ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से डिस्पर्स फेज में डिस्पर्स मीडियम के द्वारा ये चीजें बनके तैयार हो जाती हैं. यही कोलॉइड के एग्जाम्पल्स है. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना. वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर. हमने ये जाना, हमें ये पता चला पिछले चैप्टर में पढ़ के कि नेचुरली सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते. डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर.
मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. सेपरेशन से ये पॉसिबल है कि हम उस कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग कर लें और अलग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं. हेटरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंग पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. हेटरोजीनियस मिक्सचर जो होता है उससे हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं. वो मेथड कौन से हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग जैसे कि हम चावल दाल को बीनने में यूज करते हैं, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना है या दाल में से कंकड़ निकालने हैं. सीविंग, छानना, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय में से हमें पत्ती में से चाय को अलग करना है जो हमने बना ली है, तो हम क्या करते हैं, छान लेते हैं. या फिर बहुत सारी चीजों में हम इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए भी चीजों को छानते हैं, जैसे नींबू पानी है या और भी चीजें हैं. डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं. फिल्ट्रेशन भी उसी तरीके से काम आता है छानने के. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. कभी कभी मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमें स्पेशल तरीके की टेक्निक को यूज करना पड़ता है. 2.3 हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई, जिसको बोलते हैं फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. हम कैसे कुछ कलर्ड कंपोनेंट को ब्लू ब्लैक इंक से अलग कर सकते हैं, इसके लिए एक्टिविटी है, इसको समझेंगे हम ध्यान से. आइए एक्टिविटी 2.4. फिल हाफ अ बीकर विद वॉटर. अपने बीकर को आप आधा पानी से भर लीजिए. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. और इस बीकर के ऊपर एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है गोल, जिसको कि वॉच ग्लास बोलते हैं. ये आपको लैब में मिल जाएगी आसानी से. तो उस वॉच ग्लास को, उस कांच की छोटी सी गोल प्लेट को आप उस बीकर के ऊपर रख दीजिए. पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. अब इस वॉच ग्लास में आप कुछ ड्रॉप इंक की डाल दीजिए. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब बीकर को गर्म होने दीजिए. We do not want to heat the ink directly. हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. थोड़ी देर में आप देखेंगे कि evaporation का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी उस इंक में से धुआं निकलने लगा, हल्के हल्के उड़ रहा है वो जब गर्म होने लगा तो. Continue heating as evaporation goes on the and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. इस हीटिंग को आप लगातार रखिए जब तक आपको लगे उस इंक में से धुआं निकल रहा है. जब आपको लगे कि धुआं निकलना बंद हो गया है तो आप हीटिंग को स्टॉप कर दीजिए. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब इसको ध्यान से देखिए और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आप रिकॉर्ड करिए. नाउ आंसर. अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड. आप क्या सोचते हैं, क्या चीज इवेपोरेट हो गई फ्रॉम द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास से इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. और क्या वॉच ग्लास पर कोई रेजिड्यू बचा है. वॉट इज योर इंटरप्रिटेशन. इज इंक अ सिंगल सबस्टेंस और इट इज अ मिक्सचर. आपकी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि इंक एक सिंगल सबस्टेंस है प्योर या फिर ये मिक्सचर है. वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वॉटर. हमने ये पाया कि इंक जो है पानी में डाई का मिक्सचर है, यानी डाई ली और पानी में घोल दी, उससे जो तैयार हुई वो इंक है. Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. इस प्रकार हम volatile component को इसके non-volatile solute से अलग कर सकते हैं evaporation के method के द्वारा. यानी कि आप इसको simple language में समझिए कि जब हमने पानी को ink में घोलकर इसका mixture तैयार कर लिया और इसको evaporation के लिए रखा, तो क्या होगा, पानी सारा उड़ जाएगा और last में जो residue बचेगा वो ink होगी. 2.3 How can we separate cream from milk? Nowadays we get full cream toned and double toned variety of milk pack in poly pack and tetra pack in the market. आजकल हमें मार्केट में फुल क्रीम, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, इस तरीके के दूध के जो पैकेट मिलते हैं जो कि पॉली पैक में या फिर टेट्रा पैक में होते हैं. दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट. इस अलग अलग वेराइटी ऑफ मिल्क में हमें जो फैट होता है अलग अलग अमाउंट में होता है. जैसे कि फुल क्रीम में फैट सबसे ज्यादा होता है, टोन मिल्क में कम होता है और डबल टोन में सबसे ज्यादा कम फैट होता है. एक्टिविटी 2.5 टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए. सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूग मशीन फॉर 2 मिनट्स. और सेंट्रीफ्यूग मशीन के द्वारा इसको सेंट्रीफ्यूग कीजिए 2 मिनट के लिए. इफ अ सेंट्रीफ्यूग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चनर यूज्ड इन द किचन. अगर आपके स्कूल में सेंट्रीफ्यूग मशीन नहीं है तो इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं. किसके द्वारा, चनर के द्वारा. चनर क्या होता है, मथनी जिसको होते हैं, जिससे रायता बनाते हैं जब हम दही बनाते हैं, रई जिसको बोलते हैं, रई या मथनी बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं. यू हैव
If you have a milk dairy nearby, visit it. अगर आपके घर के पास डेयरी है तो आप वहाँ पर जाइए और उनसे पूछिए How they separate cream from milk? कि वो दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं And how they make cheese from milk? और ये मिल्क से पनीर को कैसे बनाते हैं अब ये क्वेश्चन है इनके आंसर आप दीजिएगा Sometimes the solid particle in a liquid are very small, pass through a filter paper. कभी कभी लिक्विड में जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं फिल्टर पेपर में से पास थ्रू हो जाते हैं निकल जाते हैं For such particle, the filter technique cannot be used for the separation. इस तरीके के छोटे particle के लिए जो filter technique है उसको हम use नहीं कर सकते Such particle are separated by the centrifugation. इस तरीके के छोटे particle को centrifugation technique द्वारा अलग किया जाता है The principle is that the dense particle are forced to be bottom and lighter particle stay at the top when sperm rapidly. इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जब इसको स्पर्म रैपिडली चलाया जाता है आपने देखा होगा जब दुकान में या फिर घर में आपकी मम्मी को घी निकालते हुए तो वो रई चलाती है आजकल ब्लेंडर भी आ गया है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर उसमें आप प्लग लगा दो तो इलेक्ट्रिक रई होती है मथनी होती है उसको आप देखते हैं इतनी स्पीड में चलता है तो क्या होता है उसमें मट्ठा जो होता है वो अलग हो जाता है और जिसको बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में वो अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाती है उस क्रीम से घी निकलता है फिर तो वो कब होता है स्पर्म रैपिडली जब बहुत तेजी से रई या मथनी को चलाया जाता है तो इसी प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी छोटे पार्टिकल वाले मिक्सचर को अलग कर सकते हैं एप्लीकेशंस यूज अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इस तरीके की टेक्निक कहाँ यूज करी जाती है लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए और कहाँ यूज की जाती है यूज इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम घर में और डेयरी में यूज की जाती है इस तरीके की टेक्निक को बटर और क्रीम को अलग करने के लिए यूजिंग वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम बेड क्लॉथ और वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए 2.3.3 How can we separate a mixture of two immiscible liquid? हम कैसे दो immiscible liquid को अलग कर सकते हैं Immiscible liquid यानी कि जो मिलाने योग्य नहीं है फिर भी मिला दिया है हमने Unmatched जिसको बोलते हैं Unmatched liquid जैसे कि पानी और तेल ठीक है Activity 2.6 Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. हम kerosene oil को पानी से अलग करने की कोशिश करेंगे किससे Separating funnel के माध्यम से Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. अब आप क्या करिए kerosene oil को और पानी है जो इसका मिक्सर है इसको उसमें डाल दीजिए Separating funnel जो है Let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil एंड वाटर आर फॉर्म्ड और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए यानी थोड़ी देर के लिए आप स्टैंड पर लगा दीजिए इसको टच मत करिए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन जाएगी ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली स्टॉप कॉक आप देखिए आपके पिक्चर में दिखाया हुआ स्टॉप कॉक नीचे की तरफ है और उसके ऊपर ही वाटर का लेबल है तो आप क्या करेंगे स्टॉप कॉक को निकाल देंगे और जो नीचे पानी का लेबल अलग हो गया है उस सारे पानी को बाहर निकाल देंगे Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. और जैसी ऑयल स्टॉप कॉक के लेवल तक पहुंच जाएगा वैसे हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे